क्लास वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा कल हमने जाते जाते ही लिमिटेशन डिस्कस की थी लास्ट। द गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, इट में चार्ज हाई प्राइसेस टू कवर अप इनएफिशिएंसी। मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर 30 रुपये पर ड्राफ्ट एसबीआई ले रहा है और 1000 ड्राफ्ट बन रहे हैं, 30,000 इकट्ठा हो रहा है, वो बेटा इनएफिशिएंसी से तो काम करते ही हैं, वो तो पता ही है, सारी दुनिया को पता है। उनको ये भी पता है कि काउंटिंग गिरेगी बबू, लेकिन उन्होंने अपनी इनएफिशिएंसी बड़े स्मार्टली छुपाई थी। 40 रुपये अगले साल ड्राफ्ट की कीमत कर दी, कमीशन कर दी, अगर 800 भी बने तो भी 32,000 इकट्ठे हो गए। सरकार की नज़र में बेटा उनकी इनएफिशिएंसी छुपी रहती है, ढकी रहती है, ठीक है ना। ये बात कल जाते जाते लास्ट कर ली थी। बाबू मैरिट्स पढ़ रहे हो आप, कोई परेशानी आएगी तो फटाफट देखते हैं, जल्दी से पढ़ना बाबू। एक पॉइंट जिसके ऊपर मैं खुद डिस्कशन कर देता हूँ वो है बेटा थर्ड पॉइंट। हाँ मैं तो पहले ही कर रहा हूँ और ये मुझे कभी ठीक भी नहीं लगता है, यहाँ पर होना नहीं चाहिए। कहता है अ स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन इज फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म एज देयर इज अ लाइन लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लीटेड बिफोर डिसीजन मेकिंग। भैया मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। कहते हैं इसमें रेड टेपिज्म नहीं होता, ठीक है ना, इट इज़ फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म और पेपर वर्क नहीं है, फॉर्मेलिटीज नहीं है, कुछ नहीं है। सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आप कह रहे हो फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ गलती से लोन अप्लाई कर दो, ठीक है, अगर वो सस्ता लोन देता है, दुनिया में सबसे सस्ता लोन देता है, इट इज़ नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। पर बाबू ऐसे नहीं मिल जाएगा, आप सोचो कि मेरी जगह अनअप्रूव्ड है या मेरे पास एक इनकम टैक्स रिटर्न कम है तो लोन हो जाएगा, बहुत बड़ा मुकालता है, ठीक है ना। भैया सीएस का काम होता है पेपर पूरे करना लोन के, तो हमें तो बहुत अच्छे से आइडिया है, ठीक है ना। कोई और बैंक एक बारी को बेटा पेपर कम है तो लोन कर देगा, एसबीआई कभी नहीं करता, वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है भाई, ये तो सब कहने की बातें हैं। आज भी बेटा मैं आपको कहता हूँ, आपको इमरजेंसी है, आज ही बैंक अकाउंट चाहिए, अभी चाहिए, मैं अभी HDFC में खुलवा दूंगा, 5 मिनट पूरे नहीं होंगे और इवन जाऊंगा भी नहीं, फोन करूंगा, अभी उनका स्टाफ आएगा पूरी किट लेकर, ठीक है, ऑनलाइन स्कैन करेगा आपकी फोटो, सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, सब ऑनलाइन निकालेगा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर अकाउंट खोल देगा, अकाउंट नंबर आपको देकर जाएगा, पिन ATM कार्ड देकर जाएगा, ATM का पिन देकर जाएगा, नेट बैंकिंग एक्टिवेट करके जाएगा 5 मिनट बाद। SBI में कराकर दिखाओ अभी 5 मिनट में, यही काम सारे 5 दिन भी नहीं होते SBI से काम। तो किसकी बात कर रहे हो आप कि रेड टेपिज्म से फ्री है, पेपर वर्क नहीं है यहाँ, बहुत पेपर वर्क है भाई, भर भर के पेपर वर्क है। बस ये एक चीज़ ऐसी है जो एडवांटेज मुझे यहाँ बिल्कुल ट्रू नहीं लगती। और बताओ किसी की कोई प्रॉब्लम खत्म बाबू। एक लास्ट टॉपिक शुरू हो रहा है आज के चैप्टर का, सिर्फ 3-4 मिनट का टॉपिक है, मैंने नोट्स आपको दे दिए, ठीक है जी। मैं बेटा एक बार नोट्स स्क्रीन पर ले आऊँ फिर बताता हूँ सब कुछ। बाबू टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहा हूँ PPP मॉडल, PPP मॉडल, और पेपर में आने के चांसेस बहुत ब्राइट। आप एक क्वेश्चन तो कन्फर्म्ड यहाँ से आएगा बेटा, मतलब क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सोचो सामने देखो बेटा। अभी बाबू मैं इसके बारे में ना बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, रीड एक ही बारी में कर देंगे और एक ही मिनट में सारा पढ़ा जाएगा। आप मेरे से 2-3 एग्जाम्पल सुन लो, बहुत तगड़े तगड़े, ठीक है बाबू। PPP मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट का मतलब प्राइवेट सेक्टर से है, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से है, मतलब PSU से है, मतलब सरकार की और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप। बेटा सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करती है क्या? बेटा करती है, सिर्फ एक सेक्टर ऐसा है जहां पर दिखाई देती है ये पार्टनरशिप, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां अरबों करोड़ रुपए इन्वेस्ट होते हैं, वहां बेटा सरकार को भी जरूरत पड़ती है प्राइवेट सेक्टर की। और इंडिया में बता देता हूं, जितनी मैं अच्छी कंस्ट्रक्शन का नाम लूंगा इसी मॉडल से बनी होगी, अंडर अ बोर्ड सिस्टम बनी होगी। मुझे नहीं पता आप इसके बारे में जानते हो कि नहीं, या मैंने कभी ज्ञान दिया कि नहीं, नहीं दिया तो आज पक्का देने वाला हूं। बेटा बोर्ड सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, हर वो किसके डिस्कशन करती है, इसका नहीं करती, अगर आप इसका डिस्कशन नहीं करोगे तो ये अधूरा है। कोई भी किताब
किसी प्राइवेट राइटर को उठा के देख लेना, पूरी 11th क्लास में इस चीज का डिस्कशन नहीं करती, इसका कर देती है खाली। बच्चा पूछता रह जाता है क्या, टीचर एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्या है बाबू, इसके बिना ये अधूरा है। अब ये है क्या बोट सिस्टम? बेटा बोट का मतलब है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मतलब बाबू सरकार आज की तारीख में एक हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रही है, सुन लिया होगा, इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे बनने जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, सुना है सबने, बहुत पैसा लगा रही है सरकार, बहुत पैसा। बाबू ये कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अंडर पीपीपी मॉडल हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। बाबू जब दिल्ली से आप मुंबई के बीच में जा रहे हो तो बहुत सारी ना ऐसे गांव, ऐसी सिटीज पड़ रही हैं जहाँ लोगों के घर भी हैं, जहाँ लोगों की दुकानें भी हैं। आपको पता है सरकार क्या करती है इस पार्टनरशिप में, कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है? सरकार ने ना पहले बिडिंग कराई कि जो मुझे सबसे सस्ती बिड देगा इस हाईवे को बनाने की, मैं उसको मौका दूँ। इंडिया में दो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां हैं बेटा जो बिडिंग में, हर बिडिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। एक का नाम है DLF, शायद नाम सुना हो आपने। गवर्नमेंट का इस पार्टनरशिप में कैसे कंट्रीब्यूशन है? गवर्नमेंट ना बेटा उन लैंड को एक्वायर करके देती है। बाबू सरकार को आप ये नहीं कह सकते मेरी लैंड है मैं आपके नाम नहीं करता, सरकार कंपलसरी एक्विजिशन करती है, कंपलसरी, ऑप्शनल नहीं है कुछ भी। सरकार ने कहा ये लैंड कल से मेरी, जो भी सर्कल रेट चल रहा है, जो भी सरकारी वैल्यू चल रही है, उसके चार गुना आपके अकाउंट में डाल देती है। अगर आपको चैलेंज करना है तो हाईकोर्ट जाके चैलेंज कर दो सरकार को, वरना कोई चैलेंज भी नहीं करता। अगर सरकार की वैल्यू, सरकारी वैल्यू 10,000 रुपये गज है तो 40,000 रुपये गज के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे डलते हैं कंपलसरी एक्विजिशन में, ठीक है जी। और सरकार की होगी लैंड कल से ही, इतनी तेजी से काम होता है ये। बाबू सरकार ने बीच की सारी लैंड एक्वायर कर ली, सारी दिल्ली से मुंबई तक की। ये काम होता है डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स का, जो जो भी स्टेट में पड़ रही होती है वो जगह स्टेट गवर्नमेंट फटाफट से एक्वायर करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, ठीक है जी। उसके बाद सरकार ने क्या करा, बिडिंग करवाई। बाबू जिसकी भी सबसे सस्ती बिड आई, दो कंपनियां जिनका मैं डिस्कशन करना चाहता, वन इज LNT लार्सन एंड ट्यूब्रो, एंड सेकेंड वन इज DLF। DLF का नाम लगभग आपने सबने सुना होता है बेटा, ये इंडिया में सबसे अच्छा इंफ्रा बनाकर देती है, अभी तो बहुत बड़े नाम हो चुके हैं ये। बाबू मान लो LNT ने सबसे सस्ती बिड दी कि मैं इतने प्राइस में कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, कुछ भी बेटा मैं लेट सपोज 25,000 करोड़, प्लीज सामने देखो जी मेघांश भाई मेरी सुन लो, मैं बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, स्पर से भी ज्यादा अच्छी। बेटा 25,000 करोड़ रुपए की बिड लगा दी LNT ने, और वो सबसे सस्ते बेटा, मान लो DLF 28,000 करोड़ में, वो तीसरी इंफ्रा कंपनी है, वो कह रही है मैं 30,000 करोड़ में बनाऊंगी। वो LNT को ठेका दे दिया आपने कि तू बनाएगी 25,000 करोड़, टाइम बाउंड कर दिया 2 साल 2.5 साल 3 साल। साथ ही साथ खाली टाइम बाउंड नहीं किया जाता, आपको क्वालिटी पे भी कहीं ना कहीं रोका जाता है। नितिन गडकरी जी हैं, आपको पता है नितिन गडकरी जी टेस्टिंग कैसे करते हैं किसी भी हाईवे और एक्सप्रेसवे की, बड़े फेमस हैं, ठीक है, हमारे परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, अरे बहुत ही खतरनाक आदमी, मतलब मुझे नहीं लगता मोदी कैबिनेट में उनसे अच्छा कोई चेहरा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया आदमी है भाई। उनका टेस्टिंग करने का रूल बड़ा सिंपल है, वो कहते कोई भी हाईवे तैयार होगा 100 की स्पीड में मेरी BMW चलेगी और चाय का कप रखा होगा सीट पर मैंने बराबर कर लिया, अगर ये चाय गिर गई तो तुम भी गिर गए। हर हाईवे वो ऐसे टेस्ट करते हैं, खुद करते हैं, ठीक है जी। और बेटा उनका ये भी बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है, किसी भी हाईवे की जो इस टाइम पर इंडिया में बन रहा है, जो पिछले 5-7 सालों में आपने देखा है, किसी की भी लाइफ 100 साल से कम नहीं है, किसी भी हाईवे की। पुराने टाइम में पुल बना देते थे 20-20 साल लाइफ होती थी, और बाबू फिर 20 साल के बाद दोबारा, फिर 20 साल के बाद दोबारा, अब 100-100 साल हाईवे की लाइफ है, ऐसा मटेरियल ऐसी क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है बाबू। तो क्वालिटी पे भी रोका जाता है कंपनीज को, टाइम बाउंड भी किया जाता है, अब हाईवे बनकर तैयार हो गया, अब काम की बात क्या बाबू। LNT ने हाईवे बिल्ड करा, बिल्ड आप करो प्राइवेट सेक्टर, सरकार क्या कर रही है सिर्फ लैंड एक्वायर करके दे दिया, बिल्ड आपने किया, ऑपरेट भी आप करो प्राइवेट सेक्टर, ऑपरेशन भी सरकार के नहीं होंगे। ऑपरेशन मतलब
टोल भी कौन इकट्ठा करेगा, आप ही करोगे एनएनटी, और उसके स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद आप ट्रांसफर करके चले जाओ। वो 20 साल आपके, 20 साल के बाद सरकार के नाम हाईवे लिखकर चले जाओ, एलएनटी बनाए, एलएनटी ऑपरेट करे, एलएनटी 20 साल के बाद ट्रांसफर करके चले जाए, 20 साल जितनी कमाई होगी टोल प्लाजा से सब आपकी। बस सरकार क्या करती है, थोड़ा सा ऑपरेशन में हेल्प करती है। वो ऑपरेशनल हेल्प क्या होती है बेटा, कि कोई रोके ना आपको टोल प्लाजा बनाने से, ठीक है ना, हर आदमी टोल देकर जाए, कुछ स्पेसिफाइड आदमियों को ही छूट होगी टोल ना देने से, बस वो ही करें, कोई गुंडे ही ना हो टोल प्लाजा भी। इन ऑपरेशंस में सरकार आपकी हेल्प करती है। टोल प्लाजा इज ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर अलोन। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इंडिया की जितनी वेस्ट कंस्ट्रक्शन का आप नाम लोगे इस सिस्टम से हुई भी होगी। मैं एक और दो तीन एग्जाम्पल मैंने कहा है, मैं दो तीन देता हूं। बाबू दूसरा एग्जाम्पल है अपना इंदिरा गांधी IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 T3। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट T3 से फ्लाई होती हैं, सबसे ज्यादा IGI पर, ठीक है जी। बाबू आपको पता है T3 किसका कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, L&T अंडर द बोर्ड सिस्टम, सरकार ने जगह ही दी थी, एलएनटी ने पूरा कंस्ट्रक्ट किया हुआ। और आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जितने प्लेन्स वहां पार्क होते हैं सबके पार्किंग चार्जेस एलएनटी खाता है, सबके पार्किंग चार्जेस, जितने वहां से फ्लाई होते हैं सारे फ्लाइंग चार्जेस एलएनटी खाता है। बिल्ड आपने किया है, ऑपरेट भी आप करो, कमाओ भी आप, और उसके कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसके बाद सरकार के नाम ट्रांसफर करके चलते बन। और मैं बता देता हूँ, कमाई इतनी हो जाती है कि आपका पैसा 4-4 गुना, 5-5 गुना हो जाता है। मतलब अगर आपने 25,000 करोड़ लगाए हैं उस हाईवे पे, तो 1,25,000 करोड़ खा जाओगे, 1,00,000 करोड़ खा जाओगे 20 सालों में, इतना कमा लोगे। बाबू अब आप समझ रहे हो प्राइवेट सेक्टर को ये रोल क्यों दिया जाता है, क्योंकि भाई बहुत पैसा लगता है। सरकार एक एक हाईवे पे 25-25 हज़ार करोड़ जेब से लगाए, एक ही टाइम पर हाईवे बन रहे होते हैं इंडिया में भी, तो 30-40 लगाती जाए फिर तो। सरकार के पास बहुत और काम है और रिसोर्सेस कम है कि प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन देना पड़ता है, ठीक है जी। और मैं बता देता हूँ एक छोटा एग्जाम्पल, मैंने बड़े बहुत सारे दे दिए, तीसरा एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल आज का, और फिर मैं पढ़ना शुरू करूंगा। जब मैं पढ़ूंगा ना, एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी बच्चे की, आप पढ़ते चले जाओगे बस, खत्म, ठीक है जी। बाबू जब पब्लिक सेक्टर की मैंने बात करी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो बेटा पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट से ही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेशन करती है इस PPP मॉडल में, ठीक है जी। लोकल गवर्नमेंट का मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल की तो मैंने बात करी आपसे। बाबू आपके शहर का क्लार्क होटल का बराबर वाला चौक, क्लार्क होटल के बराबर में चौक है बाबू, बोर्ड सिस्टम में बना है, आपको आइडिया नहीं है, PPP मॉडल में बना है, और आपके भाई ने ही कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है उसका, मैंने ही लिखा हुआ है बाबू। अभी 4 साल पहले ज्ञानानंद जी महाराज ने वो पेशकश करी कि मेरे को चाहिए ये पर्टिकुलर चौक, तो मेरी मीटिंग हुई उनसे, किसी ने करवाई, फिर हम SSP DM से मिले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, तय ये हुआ कि ज्ञानानंद जी महाराज उसको बिल्ड करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, पूरा तोड़ के बनाएंगे, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने कहा मैं ऑपरेट भी करना चाहता हूँ, खाली बिल्ड नहीं करूँगा, और ट्रांसफर करके चला जाऊँगा, 5 साल मेरे खर्चा मैं करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा ऑपरेशन में मैं कुछ कमाना नहीं चाहता, ऑपरेशन का मतलब सिर्फ इतना सा होगा, मैं गीता के उपदेश चाहता हूँ उस पर। और आज भी देख लेना बेटा, गीता की बातें लिखी हुई हैं उस पर, और आज भी देख लेना बेटा, सबसे ज्यादा सजा हुआ कोई चौक है तो वही सजा हुआ है। ये उनकी बस शर्त थी कि मैं गीता के उपदेश चलाना चाहता हूँ उस जगह पे, ठीक है ना। पहले तो हमने डिसाइड किया था कि LED वॉल होगी, सब कुछ होगा, पर RTO को ध्यान में रखा, जब RTO लॉ पड़ा तो RTO के हिसाब से बाबू वो किसी भी चौक पे LED वॉल नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो सीधा रिफ्लेक्शन डालती है एक्सीडेंट के चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए। बाद में वो जैसे जो फ्लेक्स बोर्ड जिस मटेरियल का बनता है, वो फ्लेक्स पे ही लिखा हुआ है गीता का उपदेश, और सीधा चिपकाए हुए हैं खाली,
कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है उस पर, पहले डिजिटल बोर्ड की भी बात चल रही थी इसकी, समझ में आई बात। तो लोकल गवर्नमेंट ने उनको अलाउ करा कि आप बिल्ड करो और आप ऑपरेट करो और 5 साल के बाद ट्रांसफर करके चले जाना, अब 1-8 साल बचता है उसके बाद बेटा ये हट जाएंगे, शायद शायद उपदेश भी ना बचे, फिर ये चौक की तरह सरकार इस्तेमाल करे, कोई और दोबारा ठेका ले तो ले, समझ में आई बात। इसी चौक पर उद्घाटन हुआ था, मेरे गले में पटका पहनाया था DMSSP साहब ने और ज्ञानानंद जी महाराज ने, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। चलो खैर बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को, मैं सिर्फ रीड करा रहा हूँ, ठीक है जी। आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल एंड में होगी, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो बता देना, बिल्कुल एंड में लिखे, ठीक है जी। पढ़ते चले जाओ, एक एक वर्ड पढ़ दो इसका फटाफट से। अब वो एडवांटेज का सेकेंड पॉइंट है वाइडर चॉइस। या वाइडर चॉइस से मतलब क्या है, सरकार के पास वो चॉइस बहुत बड़ी है कि किस प्राइवेट सेक्टर को काम दे, क्योंकि अगर सरकार के पास दो ऑप्शन होते हैं प्राइवेट सेक्टर को चूज करने के लिए, एक तो भैया कि मैंने चूज कर लिया L&T आप ही कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है जी, और उससे क्या करा थोड़ा सा बार्गेन करा, उसके प्राइस को रिड्यूस करा लिया, ठीक है ना। ज्यादातर सरकार ये तरीका यूज नहीं करती, ये भी बता देता हूँ। सरकार कहती है बिडिंग, ठीक है जी, जितने लोग बिड दोगे उतने दे दो, जो सबसे सस्ती बिड देगा सबसे अच्छा क्वालिटी मटेरियल यूज करेगा मैं तो उसको दूंगी ठेका। अब वो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर कोई छोटा तो है नहीं, 146 करोड़ लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में, इंफ्रा कंपनी भी एक नहीं है, इंफ्रा कंपनी भी बेटा 85 हुए, बड़े काम करने वाले भी बेटा 100-200 प्लेयर हैं। तो आप देख लो बेटा सरकार के पास कितनी बड़ी चॉइस है, कितने लोग बिड डालते होंगे, ठीक है जी। बात क्लियर, और कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। मेरिट्स फीचर का फोर्थ, बाबू फीचर का फोर्थ है पेमेंट मैकेनिज्म। मैंने बता दिया पेमेंट कैसे करती है सरकार आपको, अल्टीमेटली बेटा बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर में ऑपरेट वाला पोर्शन आपको लिखना है। भाई सरकार आपको कैसे पे करती है, डायरेक्टली कुछ नहीं देती है सरकार, सरकार तो बल्कि देखो जमीनें खरीद कर देती है, जमीनों पे सरकार का खर्चा हुआ, आपका खर्चा हाईवे बनाने पर हुआ, आपको पैसे कैसे मिलते हैं वापसी बेटा, वो टोल प्लाजा एस्टेब्लिश करके, टोल के थ्रू आप अपने पैसे रिटर्न लेते हो, ये है पेमेंट। और कुछ रखते हैं आज के लिए, इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।